नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया और खेल जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। देखिए खबरें तेज रफ्तार से, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की यात्रा के पहले चरण में पोलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड के एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत किया गया। ये 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। पोलैंड पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री पोलैंड के वारसा के जिस होटल में ठहरे हैं, वहां उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतवंशी मौजूद रहे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारसा में जाम साहब नवा नगर स्मारक का दौरा किया। ये स्मारक पोलिश सरकार द्वारा गुजरात के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी के सम्मान में मनाया गया है। गुजरात के नवा नगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह की जी रणजीत सिंह जी जडेजा ने व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए 1942-1946 के दौरान स्टालिन के साइबेरिया में युद्धग्रस्त कब्जे वाले पोलैंड और सोवियत शिविरों से लगभग 1000 पोलिश बच्चों की रक्षा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी वारसा में मोंटी कैसिनो स्मारक का भी दौरा किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसिनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल पर भी पहुंचे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया। कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद देश भर में भारी आक्रोश है। रूह कपा देने वाली इस घटना के बाद देश भर में डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। हड़ताल को लगभग एक सप्ताह बीत चुका है। दिल्ली के एम्स, सफदरजंग समेत दूसरे बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर भी कोलकाता के डॉक्टरों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप है, सर्जरी रुकी हुई है, जांच संभव नहीं हो पा रही है। हड़ताल की मार मरीजों पर पड़ रही है, वे दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई और सीबीआई को जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के अलावा हड़ताल को खत्म करने की भी अपील की थी। दिल्ली में अस्पताल के प्रशासन ने रेजिडेंट डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। एम्स के स्वास्थ्यकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए डीन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। प्रशासन ने अपने पत्र में कहा कि एम्स परिवार देश भर के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा का पक्षधर है। भारत सरकार भी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सफदरजंग अस्पताल का भी यही हाल है। कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर की रेप और हत्या मामले पर भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाले ने विपक्ष की टिप्पणियों पर आक्रोश जताया है। पूनावाला ने इस मामले पर राहुल गांधी और राकेश टिकैत के बयान की निंदा की है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की घटना को लेकर पूरा देश उद्वेलित है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने एक दिल दहला देने वाला वीडियो जारी किया है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के आनंदपुर का है, जहां झाड़ियों में एक महिला का क्षत विक्षत शव मिला है। शव की स्थिति को देखकर लग रहा है कि उसके साथ बड़ी क्रूरता की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सुकांत मजुमदार ने कहा कि फैसला दर्शाता है कि अदालत को राज्य की सरकार और पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है। राज्य में एक के बाद एक महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ की टीम कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का आदेश दिया था। कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से छठे दिन भी सीबीआई ने लगातार पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार मामले में सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवा सकती है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 2023 में डिग्री पूरा करने वाले 1536 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। समारोह में 2 मेधावी छात्रों को राज्यपाल कुलाधिपति स्वर्ण पदक और मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि फरीदाबाद का जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय छात्रों को कुशल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कर्नाटक के कांग्रेस एमएलसी इवान डिसूजा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर विवादित बयान के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इवान डिसूजा ने कहा कि यदि राज्यपाल मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच का आदेश को वापस नहीं लेते हैं तो उन्हें उसी तरह राज्य छोड़ना होगा जैसे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा था। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा जमीन आवंटन मामले में सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक एक्टिविस्ट ने राज्यपाल से आग्रह किया है। आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से दायर शिकायत के आधार पर राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी है। कर्नाटक घोटालों को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राज्य सरकार और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की दुकान बचाने के लिए राहुल गांधी संविधान का अपमान कर रहे हैं। 23 अगस्त को देश पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये दिन इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने का दिन है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भाजपा को जानो पहल के तहत मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से मुलाकात की। इस दौरान पिछले एक दशक में भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाए। असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 की स्वीकृति दे दी है। इसमें 2 विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं सरकार करेगी, वहीं बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध बताया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहली बार जम्मू कश्मीर की यात्रा पर भाजपा नेता तरुण चुग ने राहुल गांधी को घेरा है। चुनाव के कारण ही सही, राहुल गांधी शांति विकास और विश्वास की ओर अग्रसर होते हुए कश्मीर को देखने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत अनेक बड़े नेता मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित एनडीए के कई नेता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव को लेकर 8 राज्यों से 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। असम से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। बिहार के औरंगाबाद जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों और जिला पुलिस की ओर से नक्सलियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में विशेष सफलता मिली है। इस विशेष अभियान के तहत मदनपुर के घने जंगलों में 12 आईडी प्रेशर बमों को बरामद किया गया। त्रिपुरा में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं त्रिपुरा के सेपा हिजाला जिले के अंतर्गत विशालगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। इससे यातायात में बाधा उत्पन्न हुई है। त्रिपुरा में आई भीषण बाढ़ के बाद राहत एवं बचाव कार्य जारी है। असम राइफल्स ऊनाकोटी जिले के कंचनबाड़ी और गोमती जिले के अमरपुर और कारबुक में राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हुई है।
केंद्र ने कश्मीर घाटी में चुनाव के लिए अब तक अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियों को तैनात किया है। कश्मीर घाटी में विधानसभा चुनाव के सुचारू संचालन के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी सहित अर्धसैनिक बलों की 298 कंपनियां तैनात की गई। एससी एसटी आरक्षण में क्रिमिलियर लागू करने के विरोध में पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया गया। जगह जगह पर यातायात व्यवस्था बाधित हुई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 1992 के अजमेर सेक्स स्कैंडल में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन जैसे 6 और हैवानों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर भाजपा नेता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि दोषियों को बचाने का अपराध कांग्रेस सरकारों द्वारा किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और हिंदू गौरव दिवस के दूसरे संस्करण के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कल्याण सिंह के संघर्षों और चुनौतियों की यात्रा को शिखर शून्य से शिखर की यात्रा करा दिया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल, इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिप्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ कहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप पॉलिसी बाजार क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, देखिए खबरें तेज रफ्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM नेता चंपई सोरेन नया संगठन बनाने का उन्होंने ऐलान किया है। हम नया संगठन भी बना सकते हैं और हमारी विचारधारा जो है वैसी विचारधारा वाला कोई अच्छा दोस्त मिलेगा तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे, समाज और राज्य की सेवा करेंगे, ये कहना था चंपई सोरेन का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बुद्धेश्वर चौराहे पर कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। नगर निगम ने बुद्धेश्वर चौराहे को कैप्टन अंशुमान सिंह की स्मृति को समर्पित करते हुए वहां उनकी प्रतिमा स्थापित की है। सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर वोट घोटाले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को राहत दी है। अदालत ने मामले में नायडू को आरोपी के रूप में शामिल करने और जांच को CBI को सौंपने की मांग वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बर्खास्त IAS ट्रेनी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 29 अगस्त तक टल गई है। इस बीच गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने UPSC और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील ने कहा कि UPSC ने जो जवाब दाखिल किया है उसे पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुछ खास जातियों को आरक्षण में प्राथमिकता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से फैसले में अनुसूचित जात जनजाति में ज्यादा पिछड़ी जातियों को आरक्षण में प्राथमिकता देने के कई राज्यों के कानून को
सही बताया है। ईपीएफओ से लगातार नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। ईपीएफओ ने पेरोल डेटा जारी किया है। डेटा के अनुसार जून 2024 के दौरान ईपीएफओ के साथ कुल 19,29,000 सदस्य जुड़े हुए हैं। नए सदस्यों में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19वें सीआईआई इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने सभी की भलाई के लिए एक साझा भविष्य बनाने की दिशा में एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है। 91 के BSI स्कोर के साथ $3.3 बिलियन के मूल्यांकन के साथ अमूल ने 2023 से ब्रांड वैल्यू में 11% की बढ़ोतरी हासिल की है, जो $3.3 बिलियन तक पहुंच गई है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन हरे निशान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 102 अंकों की बढ़त के साथ 80,905 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 71 अंकों की बढ़त के साथ 24,770 के स्तर पर बंद हुआ। IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2047 तक बढ़कर $55 ट्रिलियन तक प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए भारत को 8% की वार्षिक विकास दर से आने वाले वर्षों में विकास दर हासिल करनी होगी। GE पावर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रशांत जैन ने इस्तीफा दे दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जारी रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन विक्रेताओं ने भारत में 1.58 करोड़ नौकरियों का सृजन किया है। इनमें से 35 लाख नौकरियां महिलाओं को मिली हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ई कॉमर्स सेक्टर के कामकाज पर चिंता जताई है। पीयूष गोयल ने कहा कि ई कॉमर्स उत्पादों पर भारी छूट देकर छोटे खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर टॉप सेंट्रल बैंकर की उपलब्धि दी है। RBI की एक स्टडी के अनुसार भारत का प्राइवेट कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट वित्त वर्ष 2024-25 में 54% बढ़कर 2,45,212 करोड़ रुपए हो सकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कहा है कि उसके नाम पर मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने वाले चेतावनी भरे कॉल, SMS या किसी भी अन्य प्रकार के संचार से लोगों को सचेत करने की चेतावनी दी और ऐसी स्थिति में दूर संचार प्रदाता से संपर्क किए जाने को कहा। बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ कम से कम 9 और शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसके बाद उनके खिलाफ केसेस की संख्या 35 हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील ने हसीना और अन्य के खिलाफ 5 मई 2013 को मोती झील के शपला चत्तर में हिफाजत ए इस्लाम रैली के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान से इराक जा रहे शिया तीर्थयात्रियों के एक बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बड़ा हादसा हो गया। शिया यात्रियों से भरी बस सेंट्रल ईरान में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक यह दुर्घटना मंगलवार रात को ईरान के यज्द प्रांत में हुई। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने ब्रेक फेल होने से हादसे का कारण बताया है। यूक्रेन का पश्चिमी रूस के कुर्स्क क्षेत्र में लगातार हमला जारी है। यूक्रेन की सेना ने पश्चिम रूस के सेयम नदी पर बने तीसरे यानी आखिरी पुल को भी नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ शुरू होने के बाद अब तक यूक्रेनी सेना ने 1,250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 92 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को चेचन गणराज्य की राजधानी ग्रोजनी पहुंचे। चेचनिया के प्रमुख रमजान कादिरोव और अन्य अधिकारियों से पुतिन ने हवाई अड्डे पर मुलाकात की। पुतिन ने कादिरोव के साथ रूसी विशेष बल विश्वविद्यालय का दौरा किया और विश्वविद्यालय की सुविधाओं और उपकरणों का निरीक्षण किया। इजरायली सेना ने गजा शहर के एक और स्कूल पर हमला किया। इजरायली सैनिकों के हमले में कम से कम 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हमास के कमांडर और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया, क्योंकि स्कूल के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। दक्षिण लबनान ने इजरायल के हवाई हमलों में हिजबुल्ला के 3 लड़ाकों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 3 डॉक्टर भी शामिल हैं।
लेबनानी सेना ने दक्षिण लेबनान में उत्तरी इसराइल की ओर से कई ड्रोन और लगभग 40 मिसाइलों के दागे जाने की पुष्टि की है। इस बीच हिजबुल्ला ने कहा कि उनके लड़ाकों ने इसराइली सैनिकों को करारा जवाब दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी के बीच डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की दूसरी रात पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कमला हैरिस का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने हैरिस को देश का अगला राष्ट्रपति बताया। ओबामा ने कहा कि हैरिस 5 नवंबर को इतिहास रचेंगी। वो अश्वेत और दक्षिण एशियाई मूल की पहली अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। हमने मशाल हैरिस को सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप की विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को 4 और वर्षों की अराजकता की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन को बराक के अलावा मिशेल ओबामा ने भी संबोधित किया, जहां पर उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखे हमले किए। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में कमला हैरिस को गुरुवार को आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुना जाएगा। 5 नवंबर को हैरिस का मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से होगा। इटली के सिसली द्वीप में ब्रिटेन के व्यवसायी माइक लिंच की नाव के डूबने पर उसमें सवार 6 लोगों की तलाश फिर से शुरू की गई है। खोज अभियान में इटली के अग्निशमन दल के अलावा गहरे समुद्र में काम करने वाले गोताखोरों को लगाया गया है। सिसली की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने एक अधिकारी ने बताया कि नाव के एक रसोइये सहित 2 लोगों का शव अभी भी बरामद किया गया है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना महिलाओं की ताजा आईसीसी रैंकिंग में 1 पायदान के सुधार के साथ 3रे स्थान पर पहुंच गई। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन के 3रे कार्यकाल की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है। चेयरमैन पद के लिए बीसीसीआई सचिव जय शाह को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे या नहीं, ये 27 अगस्त तक स्पष्ट हो जाएगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। God! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल, आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, देखिए खबरें तेज रफ्तार। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटोर की भूमिका निभाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। जहीर को अपने कोचिंग स्टेटस से जुड़ने की इच्छुक है। भारतीय पैरालंपिक टीम ने सत्यप्रकाश संगवान को पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन नियुक्त किया है। संगवान ने कहा कि जिम्मेदारी सौंपा जाना बड़ा सम्मान है। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हॉकी लौटी हॉकी टीम का भुवनेश्वर में स्वागत किया गया। इस दौरान हॉकी खिलाड़ियों का भव्य रोड शो भी निकाला गया। भव्य रोड शो में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। टीम ने ओडिशा से मिले भव्य स्वागत पर अपनी खुशी जाहिर की है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग इस साल 20 अक्टूबर को जब कश्मीर मैराथन 2024 का आयोजन करेगा। इस मैराथन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कश्मीर की खूबसूरती को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी येनिक सिनर को इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी अथॉरिटी ने गलती या अनदेखी के मामले में हरी झंडी दी है। सिनर मार्च में 2 ड्रग टेस्ट में फेल हो गए थे। ट्रैक साइकिलिस्ट मैट रिचर्डसन ने राष्ट्रीयता बदलते हुए अब ऑस्ट्रेलिया के बजाय ग्रेट ब्रिटेन के लिए खेलने का फैसला किया है। मैनचेस्टर सिटी मिडफील्डर गुंडोगन को क्लब में वापस लाने पर काम किया जा रहा है। गुंडोगन 2023 में सिटी को छोड़कर बार्सिलोना में शामिल हो गए थे। चेल्सी फुटबॉल क्लब ने कॉनर गैलाघेर के क्लब से जाने के बाद एटलेटिको मैड्रिड से पुर्तगाल के फॉरवर्ड जोआओ फेलिक्स के साथ 7 साल का अनुबंध किया है। जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल नुअर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। 2014 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य नुअर ने जर्मनी के लिए 124 मैच खेले हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।